हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इंडियन बैंक में जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका डीवी 1, 2 और 4, 5 को होने वाला है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। काफ़ी टाइम आप लोगों ने इंतज़ार किया एंड फाइनली अब जाके मतलब मेल आया एंड बहुत ही कम टाइम दिया इंडियन बैंक ने, 2 से 3 डेज दिया है फॉर डॉक्यूमेंट के लिए। बट ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर सकते हो एंड कोई इतने डिफिकल्ट डॉक्यूमेंट रहते भी नहीं है इंडियन बैंक में। काफ़ी इजी प्रोसेस है, ना कोई कैरेक्टर का झमेला है ना कोई मेडिकल का, बहुत इजीली हो जाता है। सो आप सबसे पहले जो आपको मेल आया है उसको चेक करना है और उसके हिसाब से ही आप सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करना है। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि अब विद इन अ मंथ मे बी 1 अगस्त तक आप लोग की ज्वाइनिंग, आप लोग को ब्रांच अलॉट हो जाएगी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग इंडियन बैंक के ऑफिशियल स्टाफ बन जाओगे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में कि आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या क्या कैसे अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले तो मेन जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, मार्कशीट वगैरह और जो इसमें लिखा हुआ है जैसे इंटीमेशन जो आपको ये आया है इसकी फोटोकॉपी, सारे डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले मेल पढ़ना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, फी रिसिट वगैरह, कॉपी लेटर वगैरह, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फोटो आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। और जैसे 12वें नंबर पे है प्रोविजनल ओरिजिनल डिग्री, सो इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है STSC OBC का, अगर आप कैटेगरी वाइज हो तो आपको सर्टिफिकेट आपको ले जाने पड़ेंगे। एंड मेनली अगर बात करें जो मोस्ट लोगों को डाउट होता है, जो एक्स्ट्रा जो फॉर्म होते हैं, बायोडाटा, टेस्टमोनियल, टेस्टेशन फॉर्म और सर्विस ज्वाइनिंग रिपोर्ट सीट, एंड एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको, जो जिसको पहले मेडिकल बोलते थे, तो ये भी आप लोग को इस अकॉर्डिंग टू मेल फॉर्मेट आपको सेंड किया गया होगा, तो उसको आपको बनवाना है। एंड बाकी तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको अरेंज कर लिए हो गया आपने, काफ़ी टाइम दिया आपको वैसे भी इंडियन बैंक। तो अगर बात करते हैं हम मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट की, तो जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट होता था उसको इंडियन बैंक ने फिटनेस सर्टिफिकेट कर दिया है। एंड कुछ बहुत ही आसान हो गया, डायरेक्ट आपको MBBS डॉक्टर कोई भी हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, आप उससे आप डायरेक्ट प्राइवेट लैब में आप या गवर्नमेंट लैब में किसी भी लैब में टेस्ट कराओ एंड डायरेक्ट उससे सर्टिफिकेट बनवा लो, कोई इशू नहीं है। आप मेनली आप ब्लॉक में जाके कोई भी गवर्नमेंट MBBS ड� 3 से 4 तो होते ही हैं MBBS MD, अब किसी से भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। एंड बात है रिपोर्ट की, तो आपको रिपोर्ट सिर्फ डॉक्टर को दिखानी है एंड डॉक्टर के बाद आपको रिपोर्ट जो ऑफिस में तो कोई नहीं पूछता है, बट आप साथ में ले जाना, बट वहाँ पे कोई इतना डीपली चेक ही नहीं करता है। तो इसमें तो सारे डाउट क्लियर ही है कि आप प्राइवेट गवर्नमेंट किसी से भी करा सकते हो, लेकिन बट आप गवर्नमेंट से ही करा लेना, बहुत सारे MBBS डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। एंड बात करें अटेस्टेशन फॉर्म एंड पुलिस वेरिफिकेशन, जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म ही है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा, उसमें लोकल थाना वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें पूछता है आपकी डिटेल, तो वो वेरीफाई करते हैं। तो जो ये आपको फॉर्म जोनल ऑफिस जमा करेगा DV में, तो जोन बैंक आपको आपके लोकल थाने पर भेजेगा, वहाँ से वेरीफाई करवाएगा डिटेल। एंड बात करें सर्विस ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये सारे जो फॉर्म हैं ये सारे फॉर्म आपको बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अगर बैंक की वेबसाइट पे क्या है कि शायद अभी अपडेट नहीं किया है, पता नहीं क्या इशू है, अगर आप किसी को किसी के पास नहीं है तो आप मुझे मेल आईडी दे देना, तो मैं आपको मेल कर दूंगा। एंड मैक्सिमम अगर टेलीग्राम में हो तो आपको टेलीग्राम में सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे इजीली। और बात करें सर्विस ज्वाइनिंग रिपोर्ट एंड सर्विस सीट एंड डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सिक्योरिटी की, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप ब्रांच ज्वाइन करते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक फाइल बनाए जाते हैं, उसमें लगाए जाते हैं, बट SUL DV में ये डॉक्यूमेंट मंगाते हैं, तो आपको ले जाना है फिल करके। एंड बात करें टेस्टिमोनियल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, अब टेस्ट कैरेक्टर तो है ही, मतलब कैरेक्टर वेरीफाई करने के लिए टेस्टिमोनियल होता है। अब इसमें कोई भी इशू नहीं है, ना कोई भी आपको गेस्टेड ऑफिसर चाहिए, ना भी कोई भी आपको ऐसा कोई डिफिकल्ट है, आप किसी से भी करा सकते हो, कोई भी प्राइवेट टीचर हो, कोई भी आपके आसपास शॉपकीपर हो, कोई भी पार्षद हो, सरपंच हो, जो आपके आसपास हो, जो आपके पहचान का हो, जो रेपुटेटस पर
सम्मानित व्यक्ति हो आपके आसपास, उससे आप सील साइन करा सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता है एक दो दिन में कोई जिसके पास सील है, तो आप नॉर्मल किसी से भी करा लो, आपका जो अगल बगल पड़ोसी है, सम्मानित व्यक्ति है, मतलब अच्छा व्यक्ति है, आप उससे करा सकते, कोई भी इशू नहीं होगा, किसी से भी आप करा लो। एंड बात करें अकाउंट ओपनिंग की, तो अकाउंट ओपनिंग अगर आप ले जाओगे तो आपके लिए सही रहेगा, NPS पर आपका फॉर्म खुल जाएगा, नहीं तो फिर एज यूजुअल हमेशा लेट ही होगा, आपका NPS अकाउंट भी नहीं खुल पाएगा, इसमें आपको ही दिक्कत होने वाली है। इसलिए अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप किसी भी ब्रांच में चले जाना, बोल देना, तो विद इन 1 आवर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, चेकबुक भी मिल जाएगी एंड पासबुक भी दे देंगे, आप उनसे बोल देना कि आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी के लिए लग रहा है, तो कर देंगे वो। एंड मोस्टली डाउट तो सबको यही हो रहा है कि क्या रीवी जिस जोन में हो रहा है वही ज्वाइनिंग होगी, सो इसका आंसर हाँ भी है ना भी है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो 2020 में क्या हुआ था कि हमारा जो MP रीजन था वहाँ पे 3 जोन है, सतना, भोपाल एंड जबलपुर। तो मैक्सिमम क्या हुआ था कि भोपाल में बहुत सारे लोगों का डीवी हुआ था एंड सतना में कम लोगों का डीवी हुआ था, लेकिन सतना में काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड टिकलर की काफ़ी शॉर्टेज है इस साइड, सो बहुत सारे लोगों को भोपाल से अप्रॉक्स बहुत सारे लोगों को फिर सतना जोन में मतलब उनका ज्वाइनिंग हुई थी। तो मोस्टली यही होता है कि अगर उस जोन में डिपेंड करता है स्टाफ नहीं है या स्टाफ शॉर्टेज है, तो एक जोन से दूसरे जोन पे ट्रांसफ़र मतलब एक जोन में दूसरे जोन पे हो सकती है पोस्टिंग, बट डिपेंड करता है उस जोन पे स्टाफ के ऊपर कि उस जोन में अगर स्टाफ एक्सेस है तो दूसरे जोन पे दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आपके जिस जोन पे डीवी हो रहा है उस जोन पे आपकी ज्वाइनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी 70-80% उसी जोन पे ही होती है। एंड आपको इंडियन बैंक से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। एंड कोई भी रिलेटेड अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।